हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज की हमारी जो ये क्लास है ये पार्ट टू है। कल मैंने आप लोगों से पार्ट वन पर बातचीत किया था और पार्ट वन में मैंने कुल टोटल 26 यानी पहले से लेकर 26 जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में आप लोगों से व्याख्या सहित आप लोगों से चर्चा पर चर्चा भी हुई है। कुछ प्रश्नों में व्याख्या, बेसिकली मैं व्याख्या जो है ऑनलाइन क्लासेस में करता हूँ, आप लोगों से जो बच्चे पेड है उनके साथ क्लासेस करता हूँ, व्याख्या बेसिकली जाता है। यहाँ अगर कोई प्रश्न मिलता है थोड़ा सा टफ तो उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों से जिक्र कर देता हूँ। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है UGC नेट का, सोशल वर्क का, ये प्रश्न उन स्टूडेंट के लिए है और साथ ही साथ MP SET जो बच्चे सोशल वर्क से तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिनका एग्ज़ाम बेसिकली 27 अगस्त को रखा गया है। हालांकि 25 जुलाई से इसका प्रैक्टिस चलने वाला है, आप सबको भलीभांति तरीके से पता होगा, तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड जहां पे 7 सीटों की वैकेंसी निकाली गई थी उनके लिए ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न है ये उत्तराखंड में MP SET में और UGC NET में भी पूछे जा सकते हैं। जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है वही प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और MP SET उत्तराखंड के स्टूडेंट खासकर ध्यान रखें। यदि आप दिसंबर 2023 के ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, आप मुझसे कांटेक्ट करें 8506031308 पर। आप मुझसे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है और ये प्रश्न जो है पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 27 है। डिजिटल इंडिया के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो डिजिटल अवसंचरण है और डिजिटल साक्षरता है और सेवाओं का डिजिटल वितरण है। इसलिए आपका जो ऑप्शन जाएगा वो पहला ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिए ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप नहीं है? देखिए सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा और जन सहायता ये बेसिकली सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप होता है लेकिन सामाजिक क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अधिक उत्पादकता प्राप्त करने हेतु प्रचालनात्मक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या कम करना और कार्य प्रणाली को पुनर्गठित करना डैश कहलाता है। देखिए पुनर्गठन करना बिल्कुल वो सही आकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जनशक्ति सूची भी नहीं होगी, जनशक्ति पूर्वानुमान भी नहीं होगा, मानव संसाधन लेखा परीक्षा भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत है, देखिए अब कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है किसके अंतर्गत आता है? तो मानवतावादी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, सी वाली ऑप्शन सही होगा। सुगम भारत अभियान जो है ये बेसिकली डिसेबिलिटी, अगर हम बात करते हैं RPWD एक्ट वाली में भूमिका बेसिकली सुगम भारत अभियान से था, ये जो 2015 में चलाया गया था और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दिव्यांगता से है, डिसेबिलिटी से, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। मैंने RPWD एक्ट में सुगम भारत अभियान के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है, बाकी ऑनलाइन क्लासेस चली रही है UGC नेट की और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की, वहाँ पर व्यापक लेवल पर आप लोगों से व्याख्या की जाएगी। हर्बर्ट स्पेंसर ने सभी विकास को समाज के दो प्रकारों में पदोन्नामत डैश में देखा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट जाएगा? 32 वाले का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा, 32 का ऑप्शन नंबर जो आएगा वो सेकंड होगा, सैन्य और औद्योगिकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आएगा वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 32 वाले का। बात करते हैं अगला सवाल और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 33। देखिए ये निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंध में गलत कौन सा है? सही देखो 1997 में अंगीकृत हुआ और ये अवधि भी समाप्त के लिए 2012 भी रही है और ग्रीन हाउस गैसेस जो है उत्सर्जन में कमी लाना भी है, लेकिन यहाँ द्वितीय प्रतिस्पर्धा जो प्रतिबद्धता है दिया गया है वर्ष 2030 में समाप्त होगी, ये बेसिकली गलत है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है जो 2014 का है, इसके द्वारा चल रही जो स्ट्रीट वेंडर्स की परिभाषा वो किस प्रकार दी जा सकती है? बेसिकली थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें, वह व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए अभिनिहित क्षेत्रों में वेंडिंग क्रियाकलाप करते, वही बेसिकली ये एक्ट जो है 2014 रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा 34 का। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नॉन डेरोगेबल अधिकार होते हैं? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक जीने का अधिकार होगा, दास्ता मुक्ति का अधिकार होगा, उत्पीड़न एवं अन्य अमानवीय व्यवहार से मुक्त होने का अधिकार भी होगा, विवाह करने एवं परिवार स्थापन से ये नहीं है, ऑप्शन 1 2 3 4 यहाँ पर देखिए कोट नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा 35 का।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। देखिए भारत के दस्तक ग्रहण के बारे में, दत्तक ग्रहण के बारे में पूरी डीप में जानकारी आप लोगों से दूंगा। यहाँ पे आपको सही एक अनुक्रम बताना है, ये सारी चरण वगैरह मैं बात करूंगा लाइव क्लासेस में, पर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पंजीकरण, गृह अध्ययन प्रतिवेदन, बच्चों के माता पिता से सम्मिलित करना, दत्तक ग्रह एवं पूर्व प्रतिपालक देखभाल, न्यायालय का आदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा 46। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने होगा और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने ये है, देखिए 37। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए अगर मैं बात करूँ, UGC नेट हो या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क हो या MP सेट हो, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये तभी ये सब प्रश्न आपको सॉल्व हो सकते हैं। बड़ा ईजी होता है, दो नंबर दे के जाता है एक प्रश्न ये सोशल वर्क में, UGC नेट में, लेकिन ये पहचान तब पाएंगे जब इसकी बराबर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके ऐसे प्रश्नों को आप करेक्ट कर पाएंगे। तो भारत में समाज कार्य व्यवसाय संकट, देखिए संकट भाई पहचान के रूप में, सामर्थ्यता और विश्वसनीयता में स्थिति के रूप में बता रहा है। तो अब प्रश्न कथन तर्क कहता है कि जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर प्रभावी व्यवसायिक संगठन के अभाव में, अच्छा भाई अभाव तो होगा तो संकट सही चल गया, शैक्षणिक संस्थाओं में अनियमित द्रुत विस्तार के फलस्वरूप भारी संख्या में समाज कार्य स्नातक निर्गत है। बिल्कुल बात सत्य है और व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट होगा। मैंने भाई पहले आप लोगों को बताया भाई क्योंकि लगा के करिए, उससे भी व्याख्या पता चल जाएगी। ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के अभाव में नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कहता है ग्रामीण विकास प्रशासन के विशेषज्ञता की कमी होती है और इसके प्राधिकरण होते हैं, बिल्कुल सही बात है और व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर अगेन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन 39 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ, बिल्कुल देखिए यहाँ से इस प्रश्न से कॉन्सेप्चुअल भी करेक्ट, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और साथ ही साथ तथ्य भी आपका क्लियर होगा। बात सत्य है, अगर किसी व्यक्ति का अगर आप उसका मूल अधिकारों का हनन करेंगे तो वह अपने अधिकार में न्यायालय जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके बाद ये वाद योग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा भी रखा हूँ आप लोगों, मार्क्स ने पूंजीवाद और जो है वर्ग का एक स्पष्ट वर्णन किया, बिल्कुल बात सही है। मार्क्स ने श्रमिक वर्ग में लोगों के लिए अभिप्रेरणा प्रदान की ताकि वे एकजुट हो सके और समाज में अपनी स्थिति को सुधार सके, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों करके जवाब देंगे, है ना, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, बड़ी इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, सोशल वर्क केवल जानना जरूरी है, बस अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चों के अधिकारों के लेकर बात करते हैं। असमा जहांगीर की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो इनका रिप्रेजेंट होता है मानवाधिकार से। पांडुरंग शास्त्री की बात करेंगे तो ये स्वाधा परिवार से। सुनीता नारायणन की बात करता हूँ तो पर्यावरण से। ऑप्शन जो जाने वाला है वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने, एक तरफ प्रतिमान है, एक विधिया दी गई है। अब देखिए पड़ोस विकास प्रतिवेदन देखो बेसिकली क्या है, सामुदायिक संगठन को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सामाजिक समस्या प्रतिमान को लेकर, तो सामाजिक समस्या का प्रतिमान सामाजिक केस अध्ययन से रिलेट कराएगा। क्यों, बात ये सत्य कि नहीं सही। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से तो यहाँ पे आपका ये जाएगा इससे। पारस्परिक प्रतिमान की बात करेंगे तो सामाजिक समूह का हो जाएगा, संभ्रांत हो जाएगा, सामाजिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आप सेकेंड वाला, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 42 का। बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 43 है। देखिए अगर समाजकारी में आप UGC नेट की तैयारी आप कर रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए, तो इसकी फीस जो रखी गई है वो 4000 रखी गई है। सारा क्लासेस आपको, सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं इसमें 4000 में, और आपको यूनिट नंबर एक से लेकर मॉक टेस्ट कंटेंट दिए जा रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट हर एक यूनिट के साथ कराया जा रहा है, फिर उसके बाद PYQ आपको पार्ट 4 के रूप में आपको अवेलेबल रहेगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर उसको सॉल्व भी निकाल दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सॉल्व रहने दीजिए, तो अभी मैं देखता हूँ वो बेसिकली सॉल्व के ही आधार पे आप लोगों को प्रोवाइड मैं करा दूंगा। लगभग 2004 से लेकर अगर मैं बात करूँ 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर की व्याख्या सहित मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा PDF में, ठीक है, UGC नेट में। तो अगर ये सब आपको मिल जा रहा है 2004 से लेकर 2023 तक के समाज कार्य के प्रश्न पर, तो सोचिए वो MP सेट हो चाहे उत्तराखंड मेडिकल सोशल हो, पर्याप्त है, आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। परंतु पढ़ना जरूरी है ना, समझना जरूरी है। अभी समय निकालो डेली, एक घंटा पढ़ो, बस क्या दिक्कत है, एक घंटा पढ़िए बस एग्जाम आसानी से क्रैक होंगे, कोई वो ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ रॉबर्ट पुटमैन के बारे में, तो ये सामाजिक पूंजी है, देखिए मानव पूंजी सामाजिक पूंजी आएगी, मैं आप लोगों से जिक्र करूँगा। जॉन रॉबर्ट्स की बात में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ अगर आप जिक्र करेंगे तो इनका नाम आएगा सामाजिक न्याय में। हर्बर्ट स्पेंसर किस में आते हैं, सामाजिक विकास में। सेरोकिन किस में आते हैं,
सोशल डायनेमिक में। तो 43 का सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में गया है, थर्ड गया है, ठीक है, थर्ड आपका सही रहेगा। 44 देखिए, अन्वेषणात्मक और प्रतिपादात्मक अध्ययन किसको रिलेट कराने वाला है। सही जवाब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, परिकल्पना को बताता है। जनगणना अध्ययन किसको बताता है ये, तो किसी परिकल्पना की तर्कसंगतता की जांच हो, ठीक है, ये रिपोर्ट नहीं, ये तो जनगणना तो ये नहीं होगा। जनगणना बेसिकली आपका अगर हम जिक्र करेंगे तो ये आपका पूर्णता इकाई का अध्ययन करना है। प्रयोगात्मक अगर बात करेंगे आप लोग तो ये होता है किसी परिकल्पना को तर्कसंगत में जांच करना। नैदानिक और वर्णनात्मक क्या होगा सर, किसी दी गई स्थिति में विशिष्ट जो विशेषताएं होता है उसका पता लगाना। सही ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा, 4 वाला। समुदाय संगठन भारत के समाज की लोकप्रिय विधि है, यस राइट, गलत नहीं है ये। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, भारतीय समाज अपने व्यक्तिगत मामले और समस्याओं को अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के बीच में साझा करता है, बिल्कुल सही बात है, करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये वो है गद्यांश है, ऐसे प्रश्नों को अगर आपको पढ़ना पड़ेगा गद्यांश, परंतु मैंने ट्रिक बताया है आप लोगों को और भी इससे बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ इस बार इस गद्यांश को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेज में जिक्र करूँगा ट्रिक वगैरह के बारे में। अगर आप UGC नेट ध्यान रखिएगा, MP सेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है, सोशल सिलेक्शन बोर्ड की जो वहाँ पे 7 सीटों की वैकेंसी है, या MPPSC, ठीक है, इनकी अगर क्लास आप सोशल वर्क में ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट करिए आप सभी लोग, 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज शाम की क्लास है आप सबकी, ठीक है।